अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आयशा टीवी। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई। मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगी सैंडविचेस। बहुत इजी तरीका है, आप आराम से घर में बना सकते हैं और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इसके लिए जो हमें रेसिपी में इंग्रीडियंट्स चाहिए वो है, सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड। तो ब्रेड की जितनी आपकी क्वान्टिटी, जितनी आपके घर गेस्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो मैंने क्रीम ली है मिल्क पैक की, मैंने एक कप ली है। और चिकन मैंने 100 ग्राम लेके बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया है। और उसके बाद एग मैंने लिया है 1, बॉईल कर लिया मैंने इसको। ब्लैक पेपर मैंने लिया 1 टीस्पून, बटर मैंने लिया 50 ग्राम और सॉल्ट मैंने लिया 1 टीस्पून, शुगर जो है वो 1 टेबलस्पून है और मायोनीज का मैंने 1/2 कप लिया है और विंगर आपने लेना है 1 टेबलस्पून। तो हम इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे एक बाउल में। तो सबसे पहले मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी अपने बाउल में। चिकन डालने के बाद मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम ऐड करने के बाद मैं अब इसमें मायोनीज वो ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसमें बटर ऐड करूंगी। अब जो शुगर मैंने कहा था 1 टेबलस्पून, मैंने वो सारी इसमें डाल लूंगी। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है, आपको हसबे जायका आप जितना चाहिए वो ले सकते हैं। ब्लैक पेपर भी मेरी 1 टीस्पून है, विंगर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब मैं इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा मैंने दबा दबा के मिक्स नहीं करना। एग मैंने जो बॉईल किया हुआ था मेरा, मैंने उसे मिक्स कर लिया पहले बाउल में। अब मैं इसे अपने बाकी मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। आराम से अपने सारा मिक्सचर इसको ऐड कर लेना है और फिर मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मेरा मिक्सर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके बाद ब्रेड के स्लाइस के मैंने किनारे कट कर लिए, इसके ऊपर अपना जो मिक्सचर है अप्लाई कर दूंगी। कंजूसी नहीं करनी है आपने, ज़्यादा ही लगाना है। लीजिए मेरे मज़ेदार क्लब सैंडविच रेडी है। आप इसको फ्राइज के साथ भी ले सकते हैं और विदाउट फ्राइज भी ले सकते हैं। लाजमी मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।